सो गाइस पेश करते हैं अगली गाड़ी विंटेज कार एग्जीबिशन 2023 की, जो कि ये MG Midget। सो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्पोर्ट्स कार है, और ये दिखने में ना इस सही में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मतलब नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा क्यूट। सो सबसे पहले जब आप फ्रंट में देखेंगे तो लाइट्स के ऊपर हल्की सी एक ग्रिल लगी हुई है, जो कि इसको और ज़्यादा प्रोटेक्टिव, जैसे आज के टाइम एडवेंचरस बाइक्स आती है वैसा कुछ आपको फील दे रही होती है। नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे इंडिकेटर्स है, आफ्टर मार्केट यहाँ लगे हुए, हेला की दो लाइट्स हैं, और ये जो कलर है ना येलो, ये इस ग्रीन और वाइट टोन के ऊपर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके जो माउंट है लगने के वो पुराने वाले ही है। उसके बाद में जब आप फ्रंट में देखते हैं तो आपको एक बड़ी ही क्यूट सी ग्रिल दिख रही होती है, बहुत ही छोटी साइज़ की। सेंटर में आपके पास MG का लोगो, और उसी के साथ में यहाँ पे कुछ इस तरीके की बाकी है। यहाँ पर आपके पास में कुछ बैजेस लगे हुए हैं जो कि बाद में लगाए गए हैं। जब आप इस तरफ से देखते हैं गाड़ी को तो यहाँ पे 71 डिकैल लगा हुआ है, और इसके अंदर साइड के अंदर आपके पास में दो व्हाइट स्ट्राइप आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से। आपके पास में यहाँ पर ORVM लगा करते थे, जो कि बहुत अलग से डिज़ाइन है। साइड के अंदर जब आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको 155/80 R13 का टायर है, और उसी के साथ में ये जो आपके पास में टायर के बाद में जो रिम है, ये रिम ना होकर एक स्पोक्स वाली रिम है। फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पे उस ज़माने में डिस्क ब्रेक मिला करते थे, तो आई गेस ये कोई एक रैली कार काइंड ऑफ ए थिंग है। जब आप इस तरफ देखेंगे तो साइड के अंदर भी 71 लिखा हुआ है, तो जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ 71 यहाँ 71, तो जो रेस कार्स थी कुछ उन्हीं के ऊपर आपको इस तरीके से नंबर होते थे। गाड़ी जो है ये आपकी ओपन कार है, और उसके साथ में आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरत एक स्पोर्ट्स स्टेयरिंग व्हील, जो कि कहते हैं ना बहुत ही ग्रिपी वो फील वाला। सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके से आपके पास में गियर नॉब दिखता है, यहाँ पे क्यूट सा आपके पास हैंड ब्रेक, ये आपके पास में लेफ्ट हैंड ड्रिवन आती थी। जब आप स्पीड देखेंगे तो 160 किलोमीटर पर आर की आपको टॉप स्पीड दिख रही होती है, और इस तरफ आपको 70-100 जो है आपको मैक्सिमम, मतलब 7000 RPM आपका टोटल हो गया। इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में सारे गियर नॉब्स आपको के ऊपर की तरफ स्विचेस दिखेंगे, जो कि प्रॉपर जैसे टैप वाले होते थे वैसे। सेम टाइम पे इस गाड़ी में आपको कट ऑफ स्विच भी दिखता था, सो उस टाइम की गाड़ियों के हिसाब से कट ऑफ स्विच होना बहुत ही बड़ी बात है। और उसी के साथ में पीछे की तरफ आपके पास में यहाँ खूब सारा स्पेस और है, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें ले जा सकते हो। ऑल्दो इट्स अ रेस कार, सो आप इसको सिर्फ इंजॉय करना चाहोगे। उसी के साथ में पीछे की तरफ जब आप देखते हो तो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि स्पोक्स रिम के साथ में बीचों बीच इसके अंदर एक अलग सा डिज़ाइन एलिमेंट लगा हुआ है। सो आई गेस ये इस व्हील को खोलने या बंद करने के लिए होगा, जैसे लॉकिंग काइंड ऑफ मैकेनिज्म। जब आप इधर की तरफ इस गाड़ी को देखेंगे तो सबसे पहले सेंटर में आपको एक MG का लोगो दिखेगा, जैसा अब आता है वैसा का वैसा उस जमाने का। सेम टाइम पे यहाँ गाड़ी की बैजिंग लगी हुई है, तो Midget ये वाला जो वेरियंट है इसका यहाँ पर आपको दिखेगा। सेम टाइम पीछे से कुछ इस तरीके की आपकी गाड़ी दिख रही होती है। राइट हैंड साइड फ्यूल डालने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक अलग सा आपको जिसे मैकेनिज्म है वो लगा हुआ है, और कुछ इस तरीके से आपकी साइड से गाड़ी दिख रही होती है। और आई होप ये गाड़ी आपको अच्छी लगी हो। पीछे हमारे ओनर भी आ रहे हैं, सो ही इज़ द वन हु ओन ए थार एंड ऑल दीज लग्जरी कार्स। सो इस व्लॉग को अभी ख़त्म करते हैं, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।